बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र के नाम से जारी किए गए घोषणा पत्र में भाजपा ने देश के हर एक वर्ग के लिए वादे किए हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के साथ साथ राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर को लेकर सभी तरह की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और जल्द राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कहा कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आशंकाओं को विजन डॉक्यूमेंट के रूप में पेश कर रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में और भी कई अहम बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे।